नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेके ऑन डिजाइन में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आपको मकान में जो भी आप प्लास्टर करते हैं उस पर क्या लोग गलतियां करते हैं जिससे उसमें क्रैक होता है, और इस क्रैक से आप कैसे बच सकते हैं। वो सारी चीज़ें छोटी छोटी पॉइंट है, आपको जानना जरूरी है। अगर आप एक खुद घर बनवा रहे हैं, फिर आप मिस्त्री हैं, फिर सिविल इंजीनियर हैं, या फिर आपका खुद कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें जानना जरूरी है। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलते हैं वीडियो पे, आपको हम समझाते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है क्यूरिंग का। क्यूरिंग मतलब तराई। आपको जो भी दीवार, जिस दीवार पे आपको प्लास्टर करना है, उसको 2 से 3 दिन प्रॉपर क्यूरिंग कर लेना है। क्यूरिंग करने से आपको इस ये फ़ायदा होगा दोस्तों कि आपका जो ईंट की जो प्रॉपर्टी होती है, वो मॉइस्चर पानी को एब्जॉर्ब करने की उसकी प्रॉपर्टी होती है। आपका जो भी आप सीमेंट का जो भी मसाला वगैरह उसमें मिला के उस पर चिपकाएंगे दीवार पे, वो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा ईंट। अगर आप उसको प्रॉपर क्यूरिंग किए रहेंगे तो वो पानी नहीं एब्जॉर्ब करेगा, जिससे आपका मसाला जो है वीक नहीं होगा। और अगर पानी एब्जॉर्ब हो गया तो आपका मसाला जो है वीक हो जाएगा, उसमें फिर क्रैक डेवलप होने की प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉबिलिटी हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो पहला पॉइंट आता है क्यूरिंग। जिस दीवार पर आपको प्रॉपर प्लास्टर करना है, उसको आप प्रॉपर क्यूरिंग कर लेना है दोस्तों। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आती है, इस तरीके से आप वीडियो देख लीजिए। दूसरा पॉइंट आता है, इस तरीके से आपको सैंड में जो भी वेस्टेज मटेरियल है, सैंड में बहुत सारी धूल मिट्टी ये सब चीज़ें बहुत रहती हैं, उसको आपको इस तरीके से छान के निकाल देना है। झरने से छान के इस तरीके से निकाल लेना है दोस्तों। ठीक है, उससे क्या होगा, आप कंक्रीट के साथ अगर मिट्टी भी चली जाती है तो भी क्रैक होने के ज़्यादातर चांसेस हो जाते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप छान लीजिएगा। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट आता है मिक्सिंग। आपको जो सीमेंट और सैंड का जो प्रोपोर्शन रखना है, 1:4 का रखना है। मतलब 1 तगारी सीमेंट आपको रखना है, 4 तगारी आपको बालू रखना है। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, तीसरा पॉइंट है ये आपका। और इसको प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिक्स कर लेना है। ठीक है, और इसको प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिक्स कर लेना है जिस दीवार पर आपको अप्लाई करना है, उसके लिए 1:4 का मसाला आपका रहेगा दोस्तों। अब तीसरा पॉइंट चौथा पॉइंट आता है सिलरी। सिलरी मतलब आपको इस तरीके, वीडियो आप देख लीजिए, दीवार पे आपको इस तरीके से अप्लाई करना है सीमेंट और सैंड, सीमेंट का घोल, सीमेंट का घोल पानी के साथ, सीमेंट को पानी के साथ मिक्स करके दीवार पे इस तरीके से आपको अप्लाई कर लेना है। इससे क्या होगा, आपका प्रॉपर जो भी मसाला आप प्लास्टर के लिए बनाएंगे, वो आप प्रॉपर इसमें चिपकेगा। ये एक समझ लीजिए, एक तरीके का बाइंडर का काम करता है, बाइंडिंग का काम करता है। ठीक है, दोनों को, दीवार और आपके मटेरियल को पकड़ के रखता है दोस्तों, सिंपल भाषा में आप ये समझिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अप्लाई कर लेना है। उसके बाद पांचवा पॉइंट आता है, मटेरियल को आपको इस तरीके से उस पर छपका मारना है। छपका बोलते हैं करनी से उठा कर मटेरियल को चिपकाना है दीवार पे। ठीक है, इस तरीके से आपको दीवार पे चिपका लेना है। ठीक है, और इस तरीके से चिपका लेना। और 6 पॉइंट आता है, आपको फिनिशिंग कर लेना है। एक आपको फंटी मिलेगी, फंटी मिलती है, इस तरीके से आपको फिनिशिंग कर लेना है। और उसका लेवल भी आपको देखते रहना है कि आपका लेवल किस तरीके से चाहिए आपको। ठीक है, और हाँ, प्लास्टर की थिकनेस आपको 12 mm से ज़्यादा नहीं रखनी है दोस्तों। अगर आपकी दीवार सीधी नहीं है, फिर कहीं होता है कि ईंट ज़्यादा ऊपर नीचे निकली रहती है, तो उसको आपको ईंट को छांट के निकाल लेना है। 12 mm से ज़्यादा भी मोटा प्लास्टर आपका दीवार के लिए हार्मफुल है, वो आने वाले 4 साल 5 साल बाद वो निकल जाता है। ठीक है, 12 mm से ज़्यादा प्लास्टर आपको नहीं करना है। ठीक है, 12 से 14 mm ही रखना है। mm में ये होता है, अगर इंच में बात करें तो आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा आपको कर लेना है दोस्तों। ठीक है, ये आपका फिनिशिंग हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डे आपको 7 दिन प्रॉपर क्यूरिंग करना है, ये भी आपको मस्ट जानना है दोस्तों। 7 दिन तक प्रॉपर आपको 3 बार सुबह दोपहर शाम क्यूरिंग करना है दोस्तों। तो इस तरीके से आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत यूज़फुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए, प्लीज़ इसे अपने तक सीमित न रखें, दोस्तों को जरूर शेयर करें। जिसको भी आपको जो भी घर का निर्माण करा रहा है या फिर कराना चाह रहा है, उसको जरूर डिस्कस करें, ये जानकारी शेयर करें दोस्तों। तो इसी आशा के साथ मिलते हैं किसी और दूसरी वीडियो लेक्चर में। और हाँ, अगर आपको कोई मकान का नक्शा वगैरह चाहिए, तो आप हमको डिस्क्रिप्शन में, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से आप जाके चेकआउट करके हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो इसी आशा के साथ मिलते हैं किसी और दूसरी वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।